प्यार और मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को दुनिया भर के लोग अपने अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं। कोई फूल देता है, कोई गिफ्ट और कोई चॉकलेट देता है। लेकिन क्या अब सेलिब्रेशन के तरीके में बदलाव हो रहा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं। इस साल 7 से 14 फरवरी तक चले वैलेंटाइंस वीक में इतने फूल नहीं बिके जितने की कॉन्डोम बिके हैं। इस 7 दिनों में कॉन्डोम की बिक्री में करीब 30% का उछाल आया है। वैलेंटाइन वीक में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली चीजों की लिस्ट: चॉकलेट, रोज, कॉन्डोम, परफ्यूम, ज्वेलरी। वैलेंटाइंस डे कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर, हॉबी प्रोडक्ट्स, टेक गैजेट, ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट, रिपोर्ट्स आइटम, कपड़े। ये रिपोर्ट सुपरमार्केट चलाने वाली कंपनी फूड स्टफ्स की है, जिसके नॉर्थ आइलैंड और न्यूजीलैंड में 330 स्टोर और 24,000 फूड स्टॉल चलते हैं। उनका कहना है कि इस साल पूरे वैलेंटाइन वीक के दौरान उतने फूल और गिफ्ट नहीं बिके जितने की कॉन्डोम डिमांड में रहे हैं। इसके साथ ही एक और चीज, पर्सनल लुब्रिकेंट की बिक्री में 61% का उछाल आया है। पिछले साल 2022 में वैलेंटाइन वीक के दौरान आम दिनों के मुकाबले 22% कॉन्डोम की बिक्री ज्यादा हुई थी। फूड स्टाफ का कहना है कि इसके साथ ही चॉकलेट और रोज की डिमांड भी काफी रही है। यूएस नेशनल रिटेल फेडरेशन के मुताबिक वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में खासा उत्साह होता है। ये अच्छी बात है कि वो अपनी हेल्थ और यौन संबंधों के कारण होने वाली बीमारियों को लेकर सतर्क हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।